ओके okay, बेटा अच्छा तो आज हम लोग बगैर जो है ना स्लाइड के पढ़ेंगे आई के तुम लोग के पास सबके पास होगी ना बुक तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यार फिनाइल कीटोन यूरिया सही है अच्छा फिनाइल कीटोन यूरिया वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ रिलेटिवली इनफ्रीक्वेंट जेनेटिक डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन यूरिया कंडीशन इन विच the affected individual are unable to break down the amino acid phenylalanine ठीक है इसमें आपने underline करना है unable to break down phenylalanine amino acid एसिड सही है अब होता क्या है बेटा इसमें अच्छा इसमें होता क्या है बेटा कि जो आपके पास एक एरर होता है ये फेनिल कीटोन यूरिया बेसिकली मेटाबॉलिज्म में एरर होता है मेटाबॉलिज्म का मतलब आप लोगों को पता है कि इसमें दो चीजें आ जाती हैं एक होता है एनाबॉलिज्म दूसरा होता है ठीक है तो अब बेसिकली इसमें क्या इशू आ जाता है फिनाइल कीटोन यूरिया में कि आपके पास मेटाबॉलिज्म का इशू होता है अब मेटाबॉलिज्म में क्या इशू होता है कि जो अमाइनो एसिड फिनाइल एलेन होता है ठीक है कौन सा अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलेन होता है वो फिनाइल एलिन बेसिकली क्या होता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये अमाइनो एसिड जो फिनाइल एलेन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है बाई मीन ऑफ सम एंजाइम उस एंजाइम का क्या नाम होता है बेटा तो ये लिख लेना यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ठीक है उस एंजाइम का नाम uh, लिखो द इन्जाइम विच कन्वर्ट्स आई गैसिंग द एनजाइम विच कन्वर्ट्स एलेन या ब्रेक्स डाउन लिखो द एम विच ब्रेक डाउन दिनो एसिड एलेन दिनो एसिड विच ब्रेक्स डाउन द अमाइनो एसिड सॉरी दिच ब्रेको एसिड इज फिनाइल एलेन हाइड्रो ऑक्साइलेज ठीक है मैं टाइप कर देती हूँ वहां से तुम लोग देख लो ठीक है इंजाइम का नाम ये इंजाइम जो होता है ना क्या नाम है आपका फिनाइल एलेनिन एक सेकेंड बेटा लेट मी टाइप देखो आ, मैंने चैट में टाइप कर दिया है, आप लोग ये लिख लो फिर मैं बताती हूँ फिनाइल एलेन हाइड्रोक्साइलियस क्या है आपके पास एक्जाइम है जो इसको फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन करवाता है कि उसकी ब्रेक डाउन करवाता है ठीक है अच्छा अब होता क्या है कि ये फिनाइल ने लिख लिया होगा ठीक है तो ये इंजाइम क्या करता है फिनाइलिन को ब्रेक डाउन करता है एक नॉर्मल इंसान में ठीक है होता क्या है कि वो पेशेंट्स जिनमें फिनाइल कीटोन यूरिया होता है उनके अंदर क्या होगा दिस फिनाइल एलिन जो अमाइनो एसिड है वो ब्रेक डाउन उसका नहीं हो पाएगा ठीक है रीजन क्या होगी ऑब्वियसली उसके एंजाइम में कोई ना कोई इशू होगा जब एंजाइम में कोई इशू होगा तो क्या होगा आपका अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन उसकी नहीं हो पाएगी उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा इसीलिए आपको थर्ड लाइन में लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में कि एक ऐसी हेडिडिटी कंडीशन है जिसमें अफेक्टेड अमाइनो एसिड

फिनाइल एलिन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में तो ब्रेक डाउन उसकी हो जाती है ठीक है अक्यूमुलेट नहीं करता लेकिन ऐसे पेशेंट्स में क्या होगा फिनाइल एलिन जमा होता रहेगा होगा क्या कि ये फिनाइलिन जब ब्लड स्ट्रीम में इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी और वो बहुत ज्यादा तादाद में जमा होगा तो क्या होगा ये टॉक्सिक लेवल्स तक इसकी अक्यूमलेन हो सकती है ठीक है इतना ज्यादा ये बढ़ जाता है कि ये टॉक्सिक हो सकता है टू योर ब्लड सॉरी टू योर टिश्यूज स्पेशली योर ब्रेन ठीक है तो बिकॉज आपके पास फिनाइलिन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया है बहुत ज्यादा जमा हो रहा है ये ब्लड के अंदर और फिर ये अल्टीमेटली क्या होगा ब्रेन पे हार्मुल प्रोड्यूस करवाएगा और टिश्यूज पे करवाएगा ठीक है रीजन क्या है कि वो एंजाइम जो ब्रेक कर रहा था फिनाइल एलिन को उसमें कोई ना कोई म्यूटेशन हो गई है जिसकी वजह से एंजाइम नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रहा और आपका अमाइनो ऐसे फिनाइलिन जमा होता जा रहा है बॉडी में और ब्रेक डाउन होने के बजाय वो एसिड क्या हो रहा है किसी और हार्मफुल सब्सटेंस में केमिकल में चेंज हो रहा है विच इज एक्चुअली डैमेज टू योर ब्रेन एंड टिश्यूज ठीक ऑल्सो नॉट हार्मफुल टू एन अडल्ट डी एब नॉर्मल डेरिवेटिव हार्मफुल टू इनफेंट्स होता क्या है कि ये जो फिनाइलिन uh, की जमा होने की वजह से uh, uh, उसके uh, ेशन की वजह से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे थे या डिफरेंट हार्मफुल चीजें बन रही थी वो नॉर्मल जो एडल्ट जो होते हैं फिनाइल एडल्टीटो के पेशेंट्स उनमें ज्यादा मसला नहीं क्रिएट करते लेकिन वो बच्चे जो छोटे हैं अभी ठीक है बहुत इन्फेंट्स जिन, जिनको हम कह सकते हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा मसले क्रिएट करती है और क्या मसला क्रिएट करती है बिकॉज दे इंटरफेयर विद द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ठीक है तो ये अंडरलाइन करना माहिन माह बेटा मैं पूरा समझा के एंड में रिपीट कर दू

जो फल एलेन को तोड़ता था चेंज करवाता था इनटू इट्स मेटाबोलाइट्स उस एंजाइम में कोई ना कोई मसला हो गया है फिनाइल कीटोन यूरिया में हुआ क्या है कि वो एंजाइम जो इनको तोड़ता था उसके अंदर कोई ना कोई मसला हो गया है उस मसले की वजह से क्या होगा आपका फिनाइल एलेन टूट नहीं पाएगा सही है जब वो टूट नहीं पाएगा तो क्या होगा वो जमा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा फिनाइल एललिन जब जमा होता रहेगा बॉडी में और नॉर्मली कन्वर्ट नहीं होगा और वो एबनॉर्मल चीजें इतनी टॉक्सिकार्म के ब्लड में जमा होकर फिर आपके टिश्यूज को नुकसान पहुंचाती है आपके स्पेशली ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है ठीक है तो दिस इज दी होल केस इन दिस डिजीज के मसला हो रहा होता है मसला क्या है आपके इंजाइम में कोई ना कोई मसला हो जाता है तोड़ रहा है क्या नाम है उसका हाइड्रोक्साइल में ठीक है इसमें कोई म्यूटेशन होगी तो ये जमा होता रहेगा अभी ज्यादा हार्मफुल है किसके लिए फिनाइल यूरिया या फिनाइलेन इन्फेंट्स में बिकॉज ऑब्वियसली छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रेन अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता उनका ब्रेन होता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट तो आप एक डेवलप होती हुई चीज पे जो है वो अगर इस चीज का इफेक्ट को अगर आप एनालाइज करो तो वो ज्यादा हार्मफुल होता है बिकॉज ऑब्वियसली उनका ब्रेन अभी डेवलपिंग फेज में क्या होगा कि ये जो है उनके डेवलपिंग ब्रेन को रोक देगा और ब्रेन की कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी और इन बच्चों में क्या होगा मेंटल रिटार्डेशन जन्म लेगी बिकॉज ऑब्वियसली उनका ब्रेन जो है बच्चों का थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा होता है जैसे जैसे वो बड़े हो रहे होते हैं अगर आपने उसमें कोई मसला हो गया ठीक है और वो डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो पाई तो क्या होगा बच्चों का ब्रेन जो है वो इनकम्प्लीट उसकी डेवलपमेंट होगी और अल्टीमेटली वो एक स्पेशल चाइल्ड या मेंटली रिटार्डेड बच्चा कहलाएगा बिकॉज द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज लीडिंग टू दिस

सवर्स फेयर मेंटल रिटाडेशन अब मेंटल रिटाडेशन आपको बताया ठीक है निमरा तो जो है मेंटल रिटाडेशन इनमें इस वजह से होती है कि यार ये जो फिनाइल एलिन की अक्यूबिलेशन की वजह से जो हार्मुल चीज़ें बन रही थी वो जो है ब्रेन पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं ठीक है जिसकी वजह से स्पेशली इन्फ्रेंट्स मुतासर होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ब्रेन इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अभी वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ होता एंड इनफ्रेंट विद डिसटल रिटाडेशन एंड इफेक्टेड इंडिविजुअल्स रेली लिव मोर देन थर्टी ईयर्स ठीक है जो इंडिविजुअल्स होते हैं इस बीमारी में मुबल वो वो थर्टी ईयर्स से ज्यादा उनकी लाइफ नहीं होती बिकॉज ऑब्वियसली ब्रेन पे हार्मफुल इफेक्ट जा रहा है तो सिर्फ आपका मेंटल रिडारेशन ही होगी बाकी भी जितने भी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं वो भी इफेक्ट होंगे इसकी वजह से वेन इट इज डिटेक्टेड

ट्रीट कर सकते हो न्यूट्रिशनली इसको ट्रीट आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो है वो वो चीजें वो वो फूड मटेरियल जिसके अंदर फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड पाया जाता है आप भाई उनको अवॉइड करें ठीक है प्रोटीन रिच फूड्स को अवॉइड करें सही हो गया जैसे कि मिल्क है चीज़ है आ, मीट हो गया इन सब चीजों को आप अवॉइड करें सही है और अपनी थोड़ी डाइट को जो है ऐसे पेशेंट्स में इंप्रूव किया जाता है कि भाई आप ऐसी चीज ही ना ले फिनाइल जिसमें हो तो क्या होगा फ़िनाइल फिना जब आप अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो भाई उसका फिर एक्यूमेशन कैसे होगी ठीक है तो इसको न्यूट्रिशनली ट्रीट किया जा सकता है सिर्फ उस सूरत में कि अगर आपको ये बीमारी बहुत स्टार्ट में पता चल जाती है अगर तो आपने डायग्नोज करने में आपको देरी हो गई तो क्या होगा कि जरा बात है वो फुल्ली डेवलप हो जाएगी बीमारी फिर क्या होगा जाहिर बात है लाइफ स्पैन कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ट्रीट कर लेते हो तो क्या होगा कि ये जो है आ, आ, ये जो इंडिविजुअल्स है वो नॉर्मली मेच्योर कर सकते हैं इफ यू ट्रीट इट न्यूट्रिशनली सही हो गया फिनाइल यूरिया इज अ ठीक जीन आपको बताया इंजाइम का नाम जब आप पेपर करोगे तो इंजाइम का जो ये लिखा हुआ ना सेन इन कोडिंग दी इंजाइम मुझे नाम चाहिए फिनाइलिन अगर ये नाम मुझे नहीं आया नजर आया पेपर में तो मैं नंबर काट दूंगी ठीक है तो इंजाइम यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हुआ इंजाइम बट यू हैव टू मैं द होल नेम जो मैंने आपको चैट बॉक्स में टाइप करके लिखवा के बताया मिस मेंटल रिटार्डेशन मीन वीकनेस ऑफ द ब्रेन यार वीकनेस ऑफ द ब्रेन तो नहीं कहेंगे मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये कि आप आपका दिमाग सही से डेवलप नहीं हुआ 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 ठीक है चाहे वो आपकी एनेटमिकल इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हो या फिर फिजियोलॉजिकल उसकी वजह से क्या होगा आपका दिमाग जब डेवलप ही सही से नहीं हुआ तो वो काम सही से नहीं करेगा और जब जिस बंदे का दिमाग सही नहीं काम करता आप क्या कहते हो ही इज मेंटली रिटार्डेड सही है आप कह सकते हो थोड़ा अजीब सा ठीक है But इस तरह से नहीं weakness नहीं तो होती obviously. मगर ये कि के मुतासर होते हैं ठीक हो गया तो इट इज असऑर्डर कॉज बाई द जीन एंजाइम दैट नॉर्मली ब्रेक्स डाउन मैंने आपको ये बताया कि ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें म्यूटेशन हो जाती है कहा उस uh, अलिन uh, में म्यूटेशन हो जाती है या उस जीन में म्यूटेशन हो जाती है जो इसको uh, जो एंजाइम है उसको इम्पोर्ट करती है उस जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाती है उस एंजाइम के जीन में ठीक है अब यह एक चीज लिखी हुई है डिसऑर्डर देखो मिस ये सिर्फ हेरिट्री होती है क्या ये बाद में भी हो सकती है हैरिटरी होती है ठीक है ये हेरिटरी होती है ये प्योरली जेनेटिक डिसऑर्डर है ठीक है ये बाद में एक्वायर्ड कोई डिजीज नहीं है ये जेनेटिक होती है सही हो गया अः uh, अच्छा ठीक है मायून तो ये बेटा जेनेटिक हेडिटरी है ये आपको बाद में एक्वायर नहीं कर सकते आप ये डिजीज आपकी जेनेटिक होती है इसमें मसला क्या आता है मसला आता है रेसेसिफ जो है ना रेसेसिफ होते हैं इसके अलील्स देखो रेसेसिव का मतलब आप लोगों को मैं इस तरह समझाती हूँ दो टाइप के जीन्स होते हैं या अलील्स होते हैं ठीक है थीके? एक होता है डोमिनेंट अलील एक होता है रेसेसिफ अलील ठीक डोमिनेंट अलील में क्या होगा यार कि जैसे मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रही हूँ एनोटेट तो मेरा ख्याल है कि मैं शायद यहाँ पे ना कर पाऊँ बिकॉज ऑब्वियसली स्क्रीन नहीं है बट लेट मी सी नो आई केन नॉट अच्छा चैट बॉक्स देखना ठीक है अब सपोज करो कि हाइट की जीन है ठीक है जीन में आपको पता है ना कि एक जीन में दो अलील होते हैं ये बात पता है या नहीं पता एक जीन में दो अलील होते हैं ये बात आपको मालूम है या नहीं मालूम नहीं मालूम तो सुन लो कि एक जीन में हमेशा दो अलील होते हैं सपोज करो कि अगर जो है आ, मैं हाइट की जीन की बात कर रही हूँ तो हाइट की जीन जैसे मैं यार जो टाइप करी चैट बॉक्स में वो देखना हाइट की जीन में मैं जो है सपोज करो हाइट की जीन को मैं डिनोट कर रही हूँ टी से टी का मतलब टी स्टैंड फॉर टॉल सही है अच्छा एक सेकेंड जो मैं टाइप कर रही हूँ बेटा वो देखना एक कैपिटल टी मैंने लिखा है ठीक है और एक स्मॉल टी अब मैं क्या लिख रही हूँ कैपिटल टी कैपिटल टी अब मैं लिख रही हूँ स्मॉल टी स्मॉल टी जी बेटे

मौजूद होते हैं ठीक है एक जीन के अंदर हमेशा दो अलील होते हैं अब इसमें आप देखो तो एक अलील मैंने किस चीज का बनाया है कैपिटल टी का कैपिटल टी का मतलब है कि भाई ये आपका जो हाइट है उसको डिटरमाइन करे कि आपकी हाइट टॉल होगी ठीक है और जो स्मॉल टी है जी मिला आप कुछ कहना चाह रहे हो जो स्मॉल टी है वो स्मॉल टी बेसिकली आपके पास क्या डिनोट कर रहा है वो स्मॉल टी डिनोट कर रहा है कौन सी अलील को वो अलील जो आपके पास हाइट की हाइट की अलील है ठीक है जी बेटे मिस हाँ मिस आपने जो लिखा है वो शो ही नहीं हो रहा मिस आपने जो लिखा वो, है वो शो नहीं हो रहा एक सेकंड रुको एक सेकंड रुको रुको बेटा यार यहाँ बहुत इशू हो रहा है इसमें ना क्योंकि स्क्रीन नहीं आ रही रुको मैं चैट बॉक्स में टाइप करके देखती हूँ रुको बेटा अब शो हो रहा है तुम लोगों को एक सेकेंड बेटा यार ये को सेंड हो गया हद हो गई यार अब आई तुम लोगों को नजर आ रहा होगा नजर आया अब तो आ जाना चाहिए यार यस yes, मिस देखो मैंने तीन चीजें टाइप की यार अभी बीस में टाइप क्यों कर दिया तुम लोगों ने बच्चों से मिस हो जाएगा मेरे बच्चों ओहो अब जो मैं अब मैं जो मैसेज करी उसके बाद मुझे किसी में मैसेज ना आए ठीक है अब देखो जो मैंने तीन है वो एक साथ टाइप किए नजर आया दो कैपिटल टी लिखे है मैंने ठीक है एक मैंने दूसरे वाले में कैपिटल टी लिखा है स्मॉल टी लिखा है ठीक है और तीसरे वाले में मैंने सिर्फ दो स्मॉल टी लिखे हैं सही मैं ये बता रही थी कि हमेशा ये मैंने आपको क्या बताया कैपिटल टी है टॉल हा, हाइट को शो कर रहा है सही है और जो स्मॉल टी है वो शो कर रहा है कि भैया आपकी हाइट छोटी होगी ये दोनों किस चीज़ के अलील है हाइट की जीन के अलील हैं सही अब अगर आप सेंटर वाला पार्ट देखो जिसमें मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया है ठीक है तो उसमें जो कैपिटल टी है वो क्या है डोमिनेंट है भाई देखो ना अगर आप एक लंबे बंदे को खड़ा कर दो एक छोटे बंदे को खड़ा कर दो तो डोमिनेंट आप जाहरी बात है उसी को कहोगे जो लंबा है सही है क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर है सही है तो हमेशा क्या होता है दो टाइप के अलील होते हैं एक होता है डोमिनेंट जो आपके पास यहाँ पे कैपिटल टी है यानी टॉल हाइट है और स्मॉल टी या स्मॉल हाइट क्या है आपके पास रेसेसिव अलील है। अलील का मतलब वो अलील जो कि बेचारी दब जाती है या ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होती किसी भी इंसान में सही है अगर उसके पास एक डोमिनेंट अलील आ जाए तो वो शॉर्ट अलील या फिर रेसेसिव अलील सप्रेस हो जाती है क्यों हमेशा रेसेसिव कैरेक्टर उस सूरत में एक्सप्रेस होगा जब आपके पास दोनों ऐसे हों जो मैं अभी टाइप कर रही हूँ स्मॉल टीप जब तक आपके पास देखो मैंने क्या बताया स्मॉल टी का मतलब क्या है शॉर्ट हाइट तो एक बंदे की शॉर्ट हाइट तभी होगी कंप्लीटली शॉर्ट हाइट तभी होगी जब उसके पास दोनों स्मॉल टी होंगे अगर उसके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हुआ तो उसकी हाइट टॉल होगी शॉर्ट नहीं होगी क्यों क्योंकि उसके पास जब डोमिनेंट अलीर आ जाता है तो भाई वो डोमिनेंट है डोमिनेंट का मतलब क्या बहुत ज्यादा हावी जो चीज होती है तो वो इतना ज्यादा डोमिनेंट होता है कि वो जो रेसेसिव कैरेक्टर है या जो शॉर्ट हाइट है उसको भी दबा देता है उसको भी जाहिर नहीं होने देता ठीक है तो फॉर अ असिव कैरेक्टर या एक अनइम्पॉर्टेंट uh, कैरेक्टर या कैरेक्टर टू गेट याड इन एन इंडिविजुअल ये बात जरूरी है कि आपके पास जितने भी दोनों अलील्स हैं वो दोनों अलील रेसेसिव होने चाहिए तभी वो चीज सामने आएगी डोमिनेंट अलील चाहे वो हैट्रोजाइगस कंडीशन में हो या होमोजाइगस कंडीशन में हो हमेशा एक्सप्रेस हो जाती है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कैपिटल टी कैपिटल टी है बंदा छोटा होगा या लंबा होगा कौन बताएगा अगर किसी बंदे की हाइट की जो अलील है या जो जेनेटिक सेटअप है वो ऐसा है कि उसमें एक टी टॉल होगा जयवंती वेरी गुड ठीक है अच्छा होगा सही है बेटा अगर उसका अब ये है जो मैंने अब टाइप किया है ये तुम तो लोग जो टॉल टॉल लिख रहे हो किसका लिख रहे हो रुको दोबारा अभी जो मैं टाइप कर रही हूँ ये जो मैंने टाइप किया है सारा यार सॉरी ये क्यों चेंज होता रहता है यार एक तो ये लैपटॉप ये सब मुझे नहीं समझ में आती चीजें अच्छा अब देखो तुम लोग जो अब मैं टाइप कर रही हूं ये बताओ इसकी हाइट क्या होगी टॉल और मे बी शॉर्ट शॉर्ट टॉल टॉल शॉर्ट टॉल 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 शॉर्ट शॉर्ट नहीं होगी उरूज ने सही जवाब दिया शॉर्ट नहीं होगी यही जवाब मैं चाह रही थी ठीक है टॉल होगी शॉर्ट नहीं होगी क्यों नहीं शॉर्ट होगी उरूज ये भी बता दो बाकी जिन्होंने टॉल लिखा है प्लीज एक्सप्लेन मी और आंसर वाई दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी शॉर्ट Small है ना उसमें तो वो क्यों नहीं आ रहा इफ यू गायन अनम्यूट यूर तो बता दो या टाइप करके बता दो आई वॉन्ट दी आंसरेंट है T, good, बाकी इज डोमिनेंट माही ठीक है गुड मिस क्योंकि डोमिनेंट है ठीक है तो ये बात तुम लोगों को रीजन हाँ ये भी हो सकता है लेकिन जब एक डोमिनेंट चीज आ गई ना यार तो भाई रेसेसिव हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता दैट डोमिनेंट इज गोइंग टू बी डोमिनेंट एट एनी कॉस्ट ठीक अच्छा अब जो मैं लिख रही हूँ उसकी क्या हाइट होगी भाई एक सेकेंड यार जो लास्ट बंदा टाइप करता है उसी में चला जाता है अब जो मैं लिख रही हूँ इसकी क्या होगी स्मॉल शॉर्ट पहले से टाइप करके रखा था ड्रॉप ठीक है सही है तो अब समझ में आया कि अगर ये शॉर्ट कैरेक्टर या रेसेसिव कैरेक्टर <coughs> जब तक दोनों रेसेसिव नहीं होंगे तब तक वो कैरेक्टर नहीं आएगा तो मतलब फिनाइल इज अ डिसऑर्डर नहीं लंबी जो कहानी शॉर्ट ऑलवेज वेरी गुड सारा जिक्रा, अरीबा मी ठीक है तो जो है रेसेसिव कैरेक्टर का मतलब जो आपको अब दोबारा बुक पे आ जाओ फिनाइल कीटोन यूरिया इज असि डिसऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मैं कह रही हूँ फिनाइल कीटोन यूरिया की जीन है सपोज करो ये जो मैं लिख रही हूं ठीक है ठीक है अब जो मैं लिख रही हूँ सपोज करो पी है ना पी एस दी अलील फॉर क्या कहते हैं फिनाइल अलिन का जो इंजाइम जो इनकोड कर रहा है हाइड्रोक्स को जो इंजाइम इनकोड करता है सपोज करो उसकी अलील है पी ठीक है बीट कैपिटल पी कैपिटल है तो वो डोमिनेंट है स्मॉल है तो क्या है रेसेसिव uh, है अब मुझे बताओ इसका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा जैसे तुम लोगों ने अभी टी 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 लिख के बताया मैंने लिख के बताया फिनाइल अलिलिन एक रेसेसिव डिस है तो अगर मैं कहूँ फिनाइल अलिन की जीन पी से डिनोट होती है तो इसका क्या जेनेटिक मेकअप होगा क्या है? दोनों अलीस कैसे होंगे टाइप करके बताओ वेरी गुड मिला जयंती वेरी गुड नायमा वेरी गुड ये तुम लोगों ने कैपिटल पी जिन्होंने कैपिटल पी तो लिखे स्मॉल लिखे हैं ठीक है वेरी गुड बेटा रिवा तो इसका मतलब समझ में आ गया ठीक है अब मुझे ये नहीं पता तुम लोगों ने कैप्स लॉक किए बगैर ही ऐसे अंधाधुन टाइप कर दिया या सोच समझ के किया है बट एनी ठीक है तो स्मॉल पी स्मॉल पी मीन्स ऐसे कैरेक्टर थैंक और तुम लोग समझ में आ गया क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास में इतनी आसानी से समझ में आता नहीं है तो ये इसका बेसिकली इसमें मसला हो रहा है के ओनली होमोजाइगस फॉर द म्यूटेंट बात है होमोजाइगस का मतलब के दोनों सेम होने चाहिए तो जब आप पी पी स्मॉल पी पी लिख रहे हो ठीक है तो ये दोनों होमोजाइगस है मीन दोनों सेम है दोनों ही स्मॉल है मतलब एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी के भाई हेट्रो हो गया डिफरेंट हो गया एक बड़ा एक छोटा हो गया ठीक है <coughs> आ, एक सेकेंड बच्चों देखो जो मैं अब टाइप कर रही हूं ठीक है ये क्या है हेट्रो है एक पी बड़ा है एक पी स्मॉल है भाई दोनों डिफरेंट एक बड़ा डाल दिया आपने एक छोटा डाल दिया सही है अब जो मैं टाइप कर रही हूँ वो क्या है ये होमोजाइगस है ठीक है।, है और ये भी होमोजाइगस है एक सेकेंड बेटा ठीक है ये भी होमोजाइगस है और ये भी होमोजाइगस है कैपिटल क्यों नहीं हो रहा भाई ठीक है तो दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल है तो मई सोमोर के दोनों सेम है ये दोनों बातें क्लियर है बेटा जो मैंने अभी तक समझाया है फिनाइल की टोरूज में ये सब क्लियर है या नहीं है बीस मिनट निकल गए इस टॉपिक में कोई बात नहीं समझ में आई बिकॉज दिस चैप्टर हैज ऑफिशियली बीन एंडेड ठीक है तो जो है ना हम नया चैप्टर भी ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे बिकॉज वी हैव अराउंड कितने टाइम है हमारे पास हम दस मिनट एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना तो वी हैव अराउंड ट्वेंटी मिनट्स ठीक है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करू यस 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 ओके चलो यस नेक्स्ट चैप्टर मैंने आप लोगों को बेटा uh, क्या कहते हैं कौन कौन से चैप्टर की मार्किंग करवाई थी